हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल बनी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं तो फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम नदीम, और इंस्टा पे लिंक वगैरह आप लोग भेज सकते हैं। लिंक हम इंस्टा पे आया तो काफी ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसको आप रिएक्शन इस पे देंगे वीडियो पे। वीडियो काफी खतरनाक टाइप का होने वाला और सीरियस भी है थोड़ा सा। अच्छा, इंसल्ट ऑफ मेक इन इंडिया बाय अ पाकिस्तानी। तो फिर इस पे इंडियन ने रिप्लाई दिया, ट्रेंसम का वीडियो रिंग लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो पापा, ये अब मेक इन इंडिया इनका जो है उसकी बेइज्जती की है किसी पाकिस्तानी ने, तो अब देखते हैं। और फिर इस पे गहरी बात है, रिप्लाई इन्होंने दिया, देखेंगे तभी पता लगेगा क्या है उसने बोला था। तो 3-2-1 एंड स्टार्ट। हम कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान जैसे देश पर वीडियो बना के आपका या अपना टाइम वेस्ट किया जाए, पर क्योंकि पाकिस्तान के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स अपनी वीडियो की बेइज्जती कराने का ज्यादा ही शौक रखते हैं, इसलिए ऐसे लोगों का शौक पूरा करने के लिए हमको उनकी लेनी पड़ती है वीडियोस। आज भी हमने ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर की वीडियो अपने चैनल पे दिखाने के लिए ली है। पढ़े लिखे दिखने वाले शख्स पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर हैं, जो अखबारों के न्यूज पढ़ के खुशखबरी सुनाने का शौक रखते हैं। इन्होंने लिमिट तब क्रॉस कर दी जब इन्होंने भारतीयों के बारे में ये कहा कि पैसा कमाने के लिए सऊदी अरेबिया में स्थित भारतीय डिपार्टमेंटल स्टोर्स पाकिस्तान के मसाले मेड इन इंडिया के नाम से बेचते हैं, और हिंदुस्तानियों को छोटे दिल का बताने के बाद इस खबर को सपोर्ट करने के लिए भारतीयों के लिए कमजफ और घटिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया, और भारत को स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के साथ पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए नसीहत तक दे दी। इससे पहले हम इसका जवाब दें, आप इस वीडियो को देख लीजिए। और इंडियंस करते क्या है, जो पाकिस्तानी मसनूआत भी जो लेकर जाते हैं, मंगवाते हैं, वो तमाम के तमाम इंडिया के टाइटल के नीचे, इंडिया के टैग के नीचे रख के बेचते हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह पाकिस्तानी शान मसाले जो हैं वो इंडिया के काउंटर के नीचे लिखकर बेचे जा रहे हैं। देखने वाला यही समझता है कि यह शान मसाला शायद इंडिया का है। मुझे हैरानी होती है कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी मईशत है, खुद को बहुत बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, कितने छोटे दिल के लोग हैं कि कभी ये पाकिस्तान का गुलाबी नमक अपने नाम से बेचते हैं, कभी हमारा बासमती चावल कम जर्फी दिखाते हुए अपने नाम से बेचते हैं, अब हमारे मसाले तक बेचना शुरू हो गए। आप हमसे 6 गुना बड़े मुल्क हैं, 8 गुना बड़ी मईशत है, आप में क्यों हौसला नहीं कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत पाकिस्तान का मुकाबला करें, ना कि इस तरह के घटिया कामों से। पाकिस्तान में भले एजुकेशन की कमी हो, घरों के नलों में पानी नहीं आता हो, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, लोन चुका पाने के लिए पैसा ना हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग की कमी हो, पर एक चीज है जिसमें पाकिस्तान के लोग दुनिया में सबसे अमीर होते हैं, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब एक फोटो स्क्रीन पे दिखा के पूरी स्टोरी बना देना सच में काबिले तारीफ है। वैसे पाकिस्तान की मूवीज भी कुछ ऐसी ही होती है। खैर, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स की आंखें खोलने के लिए आज हम भारतीय अपना फिर से समय बर्बाद करेंगे और इनकी एजुकेशन में रह गई कमी को पूरा करेंगे। इन सज्जन से हम ये पूछना चाहेंगे कि इन्हें कौन से एंगल से ये फोटो सऊदी अरेबिया के भारतीय डिपार्टमेंटल स्टोर की लगती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फॉरेन डिपार्टमेंटल स्टोर पाकिस्तान के मसाले भारतीय ब्रांड से इसलिए बेचने पर मजबूर हो क्योंकि पाकिस्तान के नाम से वहां के लोग उन मसालों को खरीदना ही ना पसंद करते हो। ये भी तो हो सकता है कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर किसी पाकिस्तानी का हो और ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये मसाले भारतीय ब्रांड से बेचे जा रहे हो। वैसे फोटो को ध्यान से देखा जाए तो मेड इन इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि मेड इन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के किस फोटो का इस्तेमाल किया जाता है, ये या ये। हम नहीं जानते कि पाकिस्तान के जिस स्कूल से ये पढ़े हैं उसमें कोई सर्च इंजन इस्तेमाल होता भी है या नहीं, पर इनके आंखें खोलने के लिए भारतीय फूड इंडस्ट्री के कुछ फैक्ट्स हम इनके आगे जरूर रखना चाहेंगे। भारतीय फूड मार्केट दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा फूड मार्केट है, इसलिए हमें किसी और देश के नाम की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का निर्माता है। दुनिया में 9 मसालों में 75 मसाले के लिए भारत पहले नंबर पे। फाइनेंशियल 2020 में ही भारत से $3.65 बिलियन के मसालों का एक्सपोर्ट हुआ था। ये वही साल है जब आपके पड़ोसी ने पूरे विश्व में बीमारी फैलाई थी और भारत ने इस बीमारी को साफ करने का जिम्मा उठाया था। वैसे अगर आप अपने मुल्क के किसी हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं तो वैक्सीन के कंट्री ऑफ ओरिजिन को भी पढ़ लीजिएगा, उस पे मेड इन इंडिया लिखा होगा, कहीं आप बाद में फिर बोलें कि बनी तो पाकिस्तान में ही थी। अगर आप पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको मिर्ची लगी हो तो जाते जाते हम एक और मीठी बात आपको बताते हैं। 2014 के इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान के शान मसालों को भारत में बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी और इस पाकिस्तानी कंपनी को भारतीय फूड मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ था। हो सकता है कि अभी भी शान मसाले भारत में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस वीडियो के बाद इस पाकिस्तानी कंपनी का मुनाफा घाटे में बदल जाए। अच्छा, इस वीडियो को लेकर हम डिस्क्रिप्शन में जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भारतीय व्यूअर्स की वजह से इस वीडियो पर कोई पैसा कमाए। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, और अगर आप भी हमारी तरह भारतीय होने पर गर्व करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा, जिससे इस वीडियो की आवाज जोर शोर से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के कानों तक जल्दी पहुंच सके। आप चाहें तो कू ऐप पर भी आप हमारी आवाज बन सकते हैं। इस वीडियो से जुड़े हुए सभी न्यूज आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेड इन इंडिया खबर के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी मेड इन इंडिया वीडियोस के बारे में आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद, जय हिंद। इधर हुई वीडियो खत्म। यार मैं एंड में इस बात पे पहुंचाऊं कि हम पाकिस्तानी और इंडियन जो है ना वो एक ही है, हम लोग एक चीज को रिदम में लेके नहीं चलते हैं। क्या पता अगले ने अगर रखी हुई भी हम लोग वो पेप्सी का जो उसमें वो होता है पेप्सी वाले में उसमें माउंटेन शाउंटेन डीओ मियो स्ट्रिंग विटिंग जो भी और ब्रांड्स होते हैं वो भी हमने मंडे हुए होते हैं। बिल्कुल। अब ये तो नहीं है कि लाजमी है कि ऊपर इंडिया लिखा हो या पाकिस्तान लिखा हो, मिसालों का नाम अगला समझ जाता है कि मिसाला किधर का है। अगर चलो जहाँ पे भी रखा हुआ इंडिया मतलब कि इंडिया वाले पैनल में रखा हुआ है या पाकिस्तान वाले पैनल में रखा वो जहरी बात है। अब यहाँ पे अगर लेस का वो एक होता है वो रैक होता है उसके अंदर आप लोगों को कुरकुरे मिल जाएंगे, उसके अंदर ही आपको पता नहीं कितने कितने ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो ये अब नहीं होता कि भाई अब इंडिया लिखा हुआ है पाकिस्तान लिखा हुआ है उसके अंदर ये बात का एक किस्म का पतंगड़ी बना है। मतलब चलो पिक आइए तो पिक का क्या मतलब, वीडियो बना के ये बोलो कि भाई इंडिया कमजोर्फ है तो इंडिया ये है तो ये इंडिया वो है, ये गलत बात है भाई। क्या पता पाकिस्तानी ने ऐसा किया हो, क्या पता इंडियन ने ऐसा किया, क्योंकि वहां पे जहरी बात है मिसाल है भाई, देसी चीज है भाई, जिसमें मर्जी है रख दो। ये तो नहीं ऊपर पाकिस्तानी या इंडियन लिखना होगा, मिसाल ही है वही तो मैं कह रहा हूँ। हम लोग दरअसल जुगाड़ी है दोनों इंडियंस और पाकिस्तानी, हम लोग अब ये नहीं बस जगह जहाँ मिले वहाँ पे लगा दो। ऐसा है ना जनरल स्टोर पे चले जाओ बड़े बड़े शहरों में ना उसमें रैक बने होते हैं, जिस रैक पे वो चीजें शान के अलग पड़ी होती हैं और कंपनी के अलग। लेकिन अब ये है कि जैसे आपकी बात ठीक है लेकिन उसमें भी कभी कभी ना डिफरेंट डिफरेंट मिसाले और कंपनियों के लगे पड़े होते हैं। सारी बात है जुगाड़ी को मैं दोनों तरफ तो ये हाल चलता रहता है। लेकिन ये जरूरत नहीं थी यार कि मतलब इस पाकिस्तानी बंदे को कि मतलब इस तरह बात कर लो, हाँ इस तरह बात करे क्योंकि इसने गलत किया है यार। अब एक पेक अगर निकल के आइए इस तरह अगर वर्ल्ड में आप, मैं कहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड घूम लो ना, पाकिस्तानी और रैक में इंडियन चीजें मिल जानी है और इंडियन रैक में पाकिस्तानी, क्योंकि है ही सेम चीजें बिल्कुल एक जैसी बनती है। हाँ मतलब पड़ी भी मिल जाएंगी यार आप लोगों को इसमें। अब एक पे किसके पास आई होगी इसने शुरू कर दी होगी, इस तरह नहीं होता। हालांकि इंडिया यार इतना बड़ा एक्सपोर्टर है उसमें वो भी मिसालों की वर्ल्ड में टॉप पे आता है, तो ये चीजें नहीं बनती कि भाई इन्होंने अपने रैक में रखा हुआ है हमारे रैक से निकाला हुआ, इस तरह नहीं होता। अगर शान है तो पाकिस्तानी या इंडियंस को पता है कि ये शान कहाँ से, अगर एक इंडियन ब्रांड है तो उनको पता होगा कि ये ब्रांड कहाँ के ऊपर हिंदी भी लिखी होगी और बकाया, और इसमें अगर तो उर्दू लिखी होगी तो हर किसी को समझदार है लोग, चले नहीं है कि भाई ये इंडिया की चीजें जो बनती हैं वो लोग जानते हैं कि ये इंडिया की है। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान की जो बनती है लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान है। इंडियन लोग पागल तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग एजुकेटेड लोग हैं, हर बंदे को पता है कि ये चीज किस मुल्क की है। बिल्कुल। तो ये यार ये इसको नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। चलो अगर कह भी दिया तो हम आप अपनी तरफ से आपसे सॉरी कहते हैं, क्योंकि जाहिर बात है इससे हेट ही फैलता है इन चीजों से। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना और अगेन सॉरी आप लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।